मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बारे में, मतलब होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। उस वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, फिर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। इसकी डेफिनेशन, इफ एफ जी टू जी डैश इज अ होमोमॉर्फिज्म इज अ होमोमॉर्फिज्म then the kernel of homomorphism f is denoted by is denoted by kernel of F or capital K, ये capital K है, and defined as the set of those elements of G which are mapped to the identity element of G dash under mapping F। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की। क्या है कि अगर मान लीजिए F G ग्रुप से G dash ग्रुप की ओर एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो होगा वो कुछ ऐसे डिनोट किया जाएगा और उसकी डेफिनेशन होगी या वो होगा एक सेट होगा ग्रुप जी के उन एलिमेंट्स का, उन ग्रुप जी के एलिमेंट्स का जो जी डैश ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मैप्ड है एफ मैपिंग के अंतर्गत। मतलब कि इसी को अगर हम लोग लिखे सेट्स में तो जो कर्नल ऑफ एफ होगा उसे हम लोग कुछ ऐसे डिनोट करेंगे और ऐसे डिफाइन होगा, वो एक सेट होगा जिसमें ग्रुप जी के एलिमेंट्स होंगे। और कौन से एलिमेंट्स, एंड कौन से एलिमेंट जो फंक्शन एफ के द्वारा ग्रुप जी के वो एलिमेंट जिन पे अगर हम लोग एफ फंक्शन अप्लाई करें तो E डैश आए, जहां पर E डैश क्या है, आइडेंटिटी ऑफ G डैश ग्रुप, आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G डैश। मतलब G डैश ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ G ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स मैप होंगे उन सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन या सेट कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर हमारी मैपिंग F G ग्रुप से G डैश ग्रुप की ओर एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग सपोज कर लेते हैं, पहले एग्जांपल हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक ग्रुप G है जो कि एडिटिव ग्रुप है और यहां पर G जो है वो है सेट ऑफ रियल नंबर्स,
सेट ऑफ रियल नंबर्स, और एक ग्रुप है जी डैश जो कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, और ये जी डैश है सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, नॉन जीरो रियल नंबर्स। जी एक एडिटिव ग्रुप है जो कि जी रियल नंबर का सेट है, और जी डैश एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है जो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट है। तो एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, डिफाइंड है 2 to the power x फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द जी। तो अब इस एफ मैपिंग में, मतलब इसे अगर हम होमोमॉर्फिज्म जो कि डिफाइंड कुछ ऐसे है, तो कर्नल निकालने के पहले हमें इस मैपिंग को इस ग्रुप से इस ग्रुप की ओर होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा। तो आइए देखते हैं होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन कैसे हम लोग होमोमॉर्फिज्म करेंगे। तो पहले कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ग्रुप जी के सपोज कर लेते हैं, फिर एफ ए इवेल्युएट करेंगे, तो एक्स को ई से ए से रिप्लेस किया 2 to the power a, ए को बी से एक्स को बी से रिप्लेस किया 2 to the power b। अब देखिए ए और बी में वो ऑपरेटर अप्लाई करेंगे जो जी ग्रुप का है, और उसमें फंक्शन एफ अप्लाई करेंगे, तो देखिए कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा 2 to the power x था, तो 2 to the power a + b को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power a मल्टीपल विद 2 to the power b। 2 to the power a का ही की वैल्यू है एफ ए मल्टीपल विद एफ बी। तो हम लेकर चले एफ ए प्लस बी और रिजल्ट आया एफ ए एफ बी, और यही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन होती थी। अगर आप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखें तो वो किसी ग्रुप जी से जी डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म होगा अगर ए प्लस जी ग्रुप का फंक्शन, सॉरी ऑपरेशन बी पे एफ फंक्शन अप्लाई करें और वो इक्वल हो फर्स्ट एलिमेंट पे एफ फंक्शन अप्लाई करने पे, और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ जी डैश ग्रुप मल्टीपल विद एफ ऑफ बी, मतलब बी ग्रुप बी एलिमेंट पे एफ फंक्शन अप्लाई करने पे। तो ये इसका मतलब हम लोग ने दिखा दिया कि जो हम लोग की मैपिंग एफ है ये एक होमोमॉर्फिज्म है। अब इस होमोमॉर्फिज्म एफ का हम लोग कर्नल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए एफ एक्स के वो एलिमेंट जो ई डैश से मैप्ड है, मतलब एफ एक्स में एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू है ई डैश। अब यहां पर ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश ग्रुप, और जी डैश एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो अगर एक जी डैश मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या होती है 1। तो यहां पर ई डैश की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1, एफ एक्स की जगह पे 2 to the power x इधर 1। अब x की वो वैल्यू रियल नंबर में जो इसके लिए 2 to the power x = 1 हो तो वो होगी x = 0। तो मतलब कर्नल ऑफ f यहां पर हुआ 0, सिर्फ और सिर्फ 0, एक एलिमेंट है। तो इस तरीके से कर्नल ऑफ f इफ फंक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे, और कर्नल ऑफ f के ऑफ f इवैल्यूएट करते हैं, और कर्नल ऑफ f जो होता है कर्नल ऑफ f ऑलवेज सबसेट ऑफ g, क्यों, क्योंकि g के ही कुछ एलिमेंट्स होते हैं कर्नल ऑफ f पे, और कर्नल f के सॉरी होमोमॉर्फिज्म के कर्नल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि f के कर्नल में g का आइडेंटिटी एलिमेंट पक्का होगा, मतलब कर्नल ऑफ f में कोई एलिमेंट हो या ना हो, इधर लिख सकते हैं कि e कर्नल ऑफ f पे जरूर बिलोंग करेगा, जहां पर e हमारे g ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहां पर भी देखिए g एक एडिटिव ग्रुप था, तो एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0, और हमारे कर्नल में कोई और एलिमेंट नहीं है लेकिन ये जरूर होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल जहां पर हम लोग का एक एडिटिव ग्रुप एक बार फिर से है g, और यहां पर g है सेट ऑफ इंटीजर्स, काय का सेट है इंटीजर्स का सेट, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय है, और सेकेंड ग्रुप है g डैश जिसमें एलिमेंट है 1 और -1,
और G डैश एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, G एडिटिव ग्रुप है और G है इंटीजर्स का सेट, G डैश एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है और G डैश इस तरीके से डिफाइन है। और हम लोग को एक फंक्शन fx दिया गया है जो कुछ इस तरीके से डिफाइन है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, G कहने का मतलब है इंटीजर का एलिमेंट है। तो फिर से प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग टेस्ट करेंगे कि क्या हम लोग का दिया गया फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है, तो इसके लिए कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट जी ग्रुप के सपोज कर लीजिए और फिर एफ ए प्लस बी एम इवेलुएट कीजिए तो वो आएगा माइनस वन की पावर ए प्लस बी, इसे हम लोग लिखेंगे माइनस वन की पावर ए मल्टीपल विद वन माइनस वन की पावर बी और ये वैल्यू हो जाएंगी एफ ए की मल्टीपल विद fp। यहां पर आप लिख भी सकते हैं fa is equals to minus 1 की पावर a, fb is equals to minus 1 की पावर b। देखिए इस तरीके से हम लोग ने होमोमॉर्फिज्म शो कर दिया, यही होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी। अब आते हैं कि हम लोग कर्नल ऑफ f कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो उसके लिए एक बार फिर से fx को आप ले लीजिए e डैश के इक्वल, यहां पर भी हम लोग का ग्रुप मल्टीप्लिकेटिव है तो हम लोग का आइडेंटिटी एलिमेंट g डैश ग्रुप के लिए हो जाएगा 1। अब fx को मतलब माइनस वन की पावर x, fx क्या है माइनस वन की पावर x इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो अब x की वो कौन सी वैल्यू है जिनके लिए हम लोग का आंसर जो है वो 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा, तो वो वैल्यूज हैं x की 0 के लिए, x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस सॉरी तो वो x की कौन सी वैल्यूज हैं जिनके लिए माइनस 1 की पावर हम लोग लगाएं तो वो पॉजिटिव का 1 आ जाए 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, इस तरीके से जितने भी इवन इंटीजर्स आएंगे उन सब के लिए हमारे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 आएगा, तो यहां पर कर्नेल ऑफ f क्या होगा, कर्नेल ऑफ f होगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस तरीके से सारे इवन नंबर। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल इवैल्यूएट करते हैं और ये होती है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस। तो यहां पर होमोमॉर्फिज्म उसकी प्रॉपर्टी और कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म फिनिश हो जाता है।